हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनलैंड वाटरवेज के बारे में। पिछले वीडियो में वाटरवेज की जो कहानी हमने चालू की थी, तो हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से सी रूट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन बल्क। ठीक है, तो आपने सी रूट्स अलग अलग वर्ल्ड में कहां है ये देख लिया, सी रूट्स के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आती है इनलैंड वाटरवेज की। इनलैंड वाटरवेज से क्या समझ में आता है आपको, देखिए द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी। इनलैंड मतलब कि आप समुद्र के रास्ते नहीं जा रहे हैं, जो मेन लैंडमास है आपका, उस लैंडमास में जो रिवर्स वगैरह है ना, उन रिवर्स पे जो वाटरवेज बने हैं वो इनलैंड वाटरवेज की कैटेगरी में आते हैं। समझ में ये बात। तो रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम इमेमोरियल। अब आप सोच रहे होंगे सर कैनल्स की जब आप बात करें तो पनामा कैनल हो गया, स्यूज कैनल हो गया, उन्हें हमने सीवे में क्यों पढ़ा, क्योंकि वो ऐसी कैनल्स हैं जो किसी जगह को एक जगह से नहीं जोड़ रही, दो बड़े बड़े समुद्र के बीच में एक लिंक बनी है, तो वो सी रूट का ही काम करती है। इसके लिए पनामा कैनल और स्यूज कैनल हमने कैनल्स सी रूट्स में पढ़ लिया था। ठीक है, बाकी इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें तो इनलैंड वाटरवेज में रिवर्स, कैनल्स, लेक्स, कोस्टल एरियाज हैव बीन इंपॉर्टेंट वाटरवेज सिंस टाइम इमेमोरियल। क्लियर हुआ। बोट्स एंड स्ट्रीमर्स आर यूज्ड एज means of transport for cargo and passengers। ठीक है, तो boats हो गए, steamers वगैरह हो गए, तो इन्हें किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें जैसे अगर आप देखेंगे तो cargo और passenger, सामान और यात्री दोनों को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आखिरकार इनलैंड वाटरवेज क्या है। समझ में आ गया। तो हम सब्सिक्वेंटली सारा सब कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इनलैंड वाटरवेज है, जहां रिवर के ऊपर क्या है, ठीक है, रिवर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहां पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जहां पर आप मल्टीपल फीचर्स जैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं, ये सारे फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं आप प्लस और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें आगे तो देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवे। इनलैंड वाटरवे जो है, तो आपके घर के बाजू में भी नाला जा रहा है, उस पर क्यों नहीं नाव चलती है। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस इनलैंड कह सकते हैं सोर्स पे, जैसे रिवर या फिर लेक हो गया, उस पे वाटरवे डेवलप होंगे या नहीं होंगे। तो वो फैक्टर्स क्या होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे इज डिपेंडेंट ऑन नेविगेबिलिटी। ठीक है, नेविगेबिलिटी, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ चैनल्स, मतलब कि जो चैनल है, जो रिवर्स है, वो जो चैनल है, वो जो रिवर्स है, उसकी डेप्थ कितनी है, क्या उस पे कह सकते हैं कि शिप्स वगैरह नेविगेट कर सकती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो, अब क्या होता है, कुछ रिवर्स सीजनल होती है, जैसे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, ये क्या है, ये इनलैंड वाटरवेज के लिए बेस्ट सूटेड है। लेकिन आप साउथ इंडिया के रिवर्स पे जाओगे ना, तो वहां पे इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट उतना सूटेबल नहीं है। कारण बता सकते हो मुझे, कारण सिंपल सा ये है कि ये रिवर्स जो है, ये रिवर्स मतलब जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे क्या है, कंटिन्यूटी है वाटर फ्लो में, और जहां कंटिन्यूटी नहीं है वाटर फ्लो में, सीजनल रिवर्स होती है, वहां पे आप एक प्रॉपर इनलैंड वाटरवे डेवलप नहीं कर सकते हो। पानी खत्म हो जाएगा जब अपने घर के नल चालू करके थोड़ी ना उस पे कह सकते हैं कि आपकी बोट्स वगैरह बहेगी। समझ में आ रहा है, वो रहता है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, अब क्या है, चप्पू से तो आप छोटे छोटे नाले पे भी चल जाते हैं, कभी कभी बारिश में लोगों के कॉलोनीज में पानी घुस जाता तो किश्तियां चल जाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कि हैवी मैकेनाइज्ड वेसल्स जो हैं, तो वो बड़ी डीप रिवर्स पे ही चल सकते हैं, जहां पे नेविगेबिलिटी क्या हो, बेहतर हो। समझ में आ रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, इज दैट क्लियर। अब अगर हम बात करें तो रिवर्स आर द ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन डेंस फॉरेस्ट। अब देखो, हमारे आजू बाजू चीजें रहती है, हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, ड्वेन जॉनसन की बहुत सारी मूवीज है, जुमैनजी में भी आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे जंगल क्रूज जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि वो अमेजॉन फॉरेस्ट में सब कुछ घूम रहे फिर रहे होते हैं, पूरी मूवी उसी पर बेस्ड थी। तो वो क्या है, वहां पे अधिकतर उनका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, अधिकतर उनका मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहता है, बोट वगैरह ही रहता है। तो वही चीज बताया गया है कि रिवर्स आर दी ओनली मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। तो अमेजॉन फॉरेस्ट की बात करो, जहां पे घने जंगल होते हैं, वहां नदियों के थ्रू ही आप क्या करते हो, ट्रेवल करते हो, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इन एंशियंट टाइम रिवरवेज वर दी मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया।
अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो रिवर्स को मेन हाईवे कंसीडर करते चले आए हैं। मोहनजोदड़ो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की पिक्चर है, मतलब पिक्चर अभी की है लेकिन वो उस सीन को दर्शाती है। तो आपने देखा होगा ना, वो कहीं भी आते जाते हैं, मगर को पकड़ने जाते हैं तो नदी के रास्ते जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, क्योंकि पहले रोड्स वगैरह उतने डेवलप नहीं थे, तो इन एंशियंट टाइम्स रिवरवेज वर द मेन हाईवेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज इन द केस ऑफ इंडिया, ठीक है। बट दे लॉस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन फ्रॉम रेलवेज, लैक ऑफ वाटर ड्यू टू डाइवर्जन फॉर इरीगेशन एंड देयर पुअर मेंटेनेंस। अब क्या है कि प्राचीन काल में जिस तरह से नदियों का दबदबा था ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, वो धीरे धीरे दबदबा कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया, तो उसके पीछे का कारण है कि दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवेज का डेवलपमेंट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और एनहांस हो जाना, साथ ही साथ क्या नदी में पानी नहीं बचा, तो अब क्या है, पानी नहीं है तो आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा चीजें, ठीक है। तो लैक ऑफ वाटर ड्यू टू रिवर डाइवर्जन फॉर इरिगेशन एंड पुअर मेंटेनेंस, और साथ ही साथ क्या है, नदियां जो है उसमें कचरा इतना आ गया कि नाव ही नहीं चल पाती है, बताओ, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से क्या है कि विथ द टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है, विथ द टाइम आपको देखने को मिल रहा है कि इनलैंड वाटरवे जो उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस खोते चले गए। डिस्पाइट इनहेरेंट लिमिटेशंस, मेनी रिवर्स हैव बीन मॉडिफाइड टू एनहांस देयर नेविगेबिलिटी बाय ड्रेजिंग, स्टेबलाइजिंग रिवर बैंक्स एंड बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेजेस फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेकिन देखोगे तो चीजें ऐसे बदलते चले गई है कि नो डाउट रिवर्स एज अ वाटरवे की सिग्निफिकेंस, इंडियन वाटरवे की सिग्निफिकेंस रेलवेज रोडवेज के एनहांसमेंट इससे कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी, लिमिटेशंस के बावजूद भी क्या है, many rivers have been modified to enhance their navigability by dredging. Dredging मतलब क्या होता है कि कुछ रिवर्स के अंदर पानी डाला गया है, रिवर्स के अंदर पानी डाला गया, जैसे क्या है कि गंगा रिवर जो है तो भागीरथी हुगली वगैरह से पोर्ट्स वगैरह को ड्रेज किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, रिवर्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पानी बनाया, पानी को स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, बिल्डिंग डैम्स एंड बैरेजेस फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, ताकि फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन किया जा सके। जैसे नर्मदा रिवर है तो नर्मदा रिवर पे भी क्या है कि डैम्स वगैरह बना के रखा है ताकि फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन रखे, ठीक है। तो प्रयास किए जाते हैं कि इनलैंड वाटरवेज को सस्टेन रखा जाए क्योंकि वो चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये जो रिवर्स है, ठीक है, ये जो रिवर्स के ऊपर वाटरवेज है, ये कुछ वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। इनलैंड वाटरवेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं, तो द राइन वाटरवे पहला हो गया, ठीक है, डैन्यूब वाटरवे हो गया, ठीक है। तो जैसे राइन जर्मनी का हो गया, डैन्यूब भी देखोगे तो जर्मनी से ओरिजिनेट होकर इधर आगे की तरफ जाता है ईस्टवर्ड। वोल्गा रिवर वाटरवे जो हो, तो वोल्गा रिवर वाटरवे रशिया में हो गया। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे यूएसए का, मिसिसिपी वाटरवे ये भी यूएसए का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है, सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवे ऑफ कॉमर्स थ्रू इनलैंड वाटरवेज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्सिक्वेंटली। चलो, तो जैसे अगर इस पर समझना चालू करें तो द राइन वाटरवे कहां है, मैंने बताया आपको कि जर्मनी, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होती है राइन रिवर, ऐसे जर्मनी से बहते हुए नीदरलैंड, नीदरलैंड से समुद्र में डुबकी लगा लेती है नॉर्थ सी में, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पूरा ये पूरा उसका रूट है, ये रहा रिवर का रूट, ठीक है। तो जर्मनी में जैसे अगर आप देखोगे राइनलैंड जो है, रिच राइनलैंड कहा जाता है इसके, इसको लेकर कितनी लड़ाइयां हुई है, फ्रांस जर्मनी आपस में लड़ते रहते हैं, क्लियर हुआ। तो जैसे अगर आप देखोगे तो द राइन वाटरवे, द राइन फ्लोस थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रॉटरडेम एट इट्स माउथ इन नीदरलैंड्स टू बेसल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बेसल स्विट्जरलैंड यहां ओरिजिनेट होती है, बेसल स्विट्जरलैंड में, ये यहां से फ्लो करते हुए ऐसे जाती है तो यहां पे जहां उसका माउथ है, मतलब जहां पे वो समुद्र में मिलने वाली है, ठीक है, रॉटरडेम नीदरलैंड, वहां तक पूरी नेविगेबल है। मतलब इसमें क्या चलते हैं आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें पूरे आपको मैकेनाइज्ड वेसल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। द ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोजन, ठीक है। तो ये ओशन गोइंग वेसल्स जो है कोलोजन तक, क्या है कोलोजन तक, बड़े बड़े जो समुद्र में जहां चल रहे होते हैं वो कोलोजन तक आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके अंदर जो रूर रिवर जॉइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट, ईस्टर्न साइड पे उसको कौन जोड़ रहा है, रूर रिवर। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, कोल वगैरह के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो इट फ्लोस थ्रू अ रिच कोल फील्ड इन द होल बेसिन हैज बिकम अ प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अब क्या है, तो यहाँ का कोल जो है तो इन वाटरवेज के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा रीजन जो है वो प्रॉस्परस होता चले गया विथ टाइम। फाइन, डसलडॉर्फ की अगर बात करें, इज द राइन पोर्ट इन द रीजन, ह्यूज टनेज मूव्स अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ रूर। अगर आप जिसे देखेंगे तो ये डसलडॉर्फ है, कोलोजन के बाजू में ही ऊपर की तरफ डसलडॉर्फ है। तो ये डसलडॉर्फ जो है, तो डसलडॉर्फ क्या है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन है, और इस इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन से देखेंगे तो आप क्या है, बहुत सारा जो मैंने आपको रूर बताया, राइन बताया, यहाँ से कोल वगैरह जो सारा सब कुछ इकट्ठा करके ले जाया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से इनलैंड वाटरवे की जो नेविगेबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत बेहतरीन है।
दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड. व्हिच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड वाटरवे? तो आप कह सकते हैं राइनलैंड वाटरवे जो है, ठीक है, राइनलैंड वाटरवे जो है, राइन वाटरवे जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड वाटरवे. ठीक है, इनलैंड वाटरवे की बात की जा रही है. ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोस. अब क्या हो रहा है, 2,20,000 पूरा अगर फिगर जोड़ दे तो इतने वेसल्स जो है उसमें ओशियन गोइंग वेसल्स भी है, बड़े बड़े दिग्गज भी है, ठीक है, और छोटे मोटे क्या है, छोटी मोटी नाव भी है. तो ये क्या करते हैं, इस वाटरवे पे, इस इनलैंड वाटरवे को क्रिस क्रॉस करते रहते हैं. समझ में आया? इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड्स विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट. ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये आपको बताया गया पूरा कि इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे अगर आप देखेंगे नीचे स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सारी कंट्रीज को, इन सारी कंट्रीज को क्या करता है, वो नॉर्थ अटलांटिक सी से जोड़ता है इधर, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी से जोड़ता है. तो ये सारे देश जो है इस राइनलैंड वाले वाटरवे का, राइन वाटरवे का एडवांटेज उठाते हैं और अपनी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये राइन वाटरवे हो गया. वैसे आप देखोगे तो ड्योनेब, ठीक है, तो ड्योनेब वाटरवे की अगर बात करें, ठीक है, ड्योनेब वाटरवे कहां है, तो ड्योनेब वाटरवे जिसे अगर आप देखोगे तो वही जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रीजन है. तो अब ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रीजन से ओरिजिनेट होकर इधर आगे ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ठीक है, सर्बिया हो गया, बुल्गेरिया हो गया, रोमानिया हो गया, इन देशों से बहती हुई ये नदी जाती है ड्योनेब, ठीक है. तो अब दिस इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे सर्व्स ईस्टर्न यूरोप. तो आप क्या देख रहे हैं, पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है, इस ईस्टर्न यूरोप को ये सर्व करता है. ईस्टर्न यूरोप में जिसे अगर आप देखोगे तो ड्योनेब वाटरवे का दबदबा है, ठीक है, जिस तरह से राइनलैंड वेस्टर्न यूरोप को सर्व कर रही है, ईस्टर्न यूरोप को ड्योनेब रिवर जो है, ड्योनेब वाटरवे है, वो सर्व करता है. द ड्योनेब रिवर राइजेस इन ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू मेनी कंट्रीज. एज आई एक्सप्लेन, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का माउंटेन रीजन है, वहां से राइज होकर ये ईस्टवर्ड फ्लो करते जाती है. इट इज नेविगेबल अप टू टोर्ना सेवराइन, ठीक है, तो टोर्ना सेवराइन की जैसे अगर बात करें तो पूरा ये जो रीजन है नेविगेबल है. द चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स आर वीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी. ये चीफ एक्सपोर्ट आइटम है, ठीक है, तो यहाँ पे चीफ एक्सपोर्ट आइटम्स मतलब क्या है कि यहाँ पे मेनली किन चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है. जैसे आप ये जो रीजन देखेंगे, वीट ग्रोइंग रीजन है, वीट ग्रोइंग रीजन के साथ में मेज, टिम्बर, मशीनरी, इन सारी चीजों को इस इनलैंड वाटरवे के थ्रू क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है. इज दैट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो वोल्गा वाटरवे, ठीक. तो अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो अधिकतर यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन इन रीजन्स में वाटरवे ज्यादा डेवलप्ड हुए. अगेन द रीजन इज वेरी सेम, टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, रिवर्स जो है तो वो क्या है, सीजनल नहीं है, पेरिनियल है. क्लियर हो रहा है? तो उसके चलते क्या होता है, ये रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि रिवर्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड है. द वोल्गा वाटरवे की अगर बात करें तो रशिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच द वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. रशिया में बहुत सारे क्या है, वाटरवेज है, रशिया में बहुत सारे वाटरवेज है, उनमें से बहुत सारी रिवर्स है, ठीक है, ये वगैरह. तो यहां पर जैसे आप देखेंगे वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है, कैस्पियन सी में ड्रेन करती है. वोल्गा रिवर का जैसे आप देखोगे तो मॉस्को के साथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है आपको. तो उस कारण क्या है, कैपिटल, जैसे आप मान लो कोई नदी अगर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से किसी चीज की कनेक्टिविटी, तो वो वाटरवेज को फैसिलिटेट करेगी. तो कैपिटल सिटी के साथ में किसी इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी एडेड एडवांटेज रहती है, ठीक है. तो रशिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज ऑफ विच द वोल्गा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. रशिया में वोल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड्स अ नेविगेबल वाटरवे ऑफ 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी. तो रूट जो है काफी लंबा है, 11,200 किलोमीटर कम नहीं होता, इतने तो रोड नहीं होते, ठीक है, जितना है वाटरवेज है. क्लियर है, ठीक है. द वोल्गा मॉस्को कैनल कनेक्ट्स इट विद द मॉस्को रीजन एंड द वोल्गा डॉन कैनल विद द ब्लैक सी, ठीक है. वोल्गा डॉन कैनल जो है तो ब्लैक सी से कनेक्ट करती है और ये मॉस्को रीजन को भी कनेक्ट करती है, वोल्गा मॉस्को कैनल जो है. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वोल्गा रिवर की आपने कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फीजिबिलिटी देख ली, उसका स्प्रेड देख लिया. अगला जो हमारे पास में कह सकते हैं वाटरवे है, वो कौन सा है, द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे. द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे की अगर हम बात करें तो द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, कौन कौन से, सुपीरियर लेक, हुरोन लेक, आयर, ठीक है, लेक ऑन्टेरियो, ठीक है. तो ये सारे लेक्स जो है, ये लेक्स भी क्या है, ये इनलैंड वाटरवेज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं. अब और सर ये तो लेक्स है ना, तो क्या हुआ, लेकिन ये समुद्र से जुड़े हुए लेक्स है, कैसे, तो जो सेंट लॉरेंस रिवर है, ये सेंट लॉरेंस रिवर जो है, तो ये क्या, ऑन्टारियो हो गया, ठीक है, लेक आयर हो गया. तो यहाँ पे जैसे क्या है, वेलेंड कैनल हो गई, जैसे यहाँ पे आप देखोगे सू कैनल हो गई, तो ये लेक सुपीरियर लेक, हुरोन लेक, आयर लेक, ऑन्टारियो, ठीक है, लेक मिशिगन इससे जुड़ा हुआ है. तो सारे लेक्स आपस में कनेक्टेड है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, पता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि
वाटरवेज जो है, जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो कंट्री के इंटीरियर तक आ गया है। ठीक है, मतलब आप कंट्री के इंटीरियर में जाना है तो आपको किससे जाना होगा, जमीन के रास्ते जाना होगा। समुद्र का रास्ता एक जगह तक सीमित ही रहेगा ना, लेकिन यहां आपको ये देखने को मिलता है कि समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते आप कंट्री के अंदर तक जा सकते हो। यहां पे आप देखोगे मॉन्ट्रियल वगैरह है, तो आप एकदम अंदर तक पहुंच गए हो। दिस इज गिविंग दी कह सकते दिस फीचर मेक्स यूएसए कैनेडा वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल रीजन फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ की इंडस्ट्रीज में ग्रोथ इसीलिए तो है क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ जाता है, कंट्री के अंदर तक पहुंच गए वो सस्ते सस्ते में। समझ में आ रहा है, वो कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बताया गया क्या कि लेक सुपीरियर, लेक हुरोन, लेक आयर, लेक ऑन्टारियो आर कनेक्टेड बाय सू कैनाल एंड वेलेंड कैनाल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवे। ठीक है, एक इनलैंड वाटरवे बनाने के लिए द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक्स फॉर्म अ यूनिक कमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये आपको समझ में आया क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे सेंट लॉरेंस रिवर जो है ग्रेट लेक्स वगैरह के साथ में एक पूरा का पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो है नॉर्थ अमेरिका, इसमें एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, नेटवर्क जो है, वो डेवलप करती है। द पोर्ट्स ऑन दिस रूट लाइक ठीक है दुलुथ एंड बफेलो आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज ऑफ ओशियन पोर्ट्स। ठीक है, ये जो पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो रूट है, इस रूट पे आपको दुलुथ और बफेलो पोर्ट ये कुछ पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एज सच लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप टू रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल। और ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है कि मैंने आपको बताया कि यहां से क्या है, ओशन रूट से आप डीप मॉन्ट्रियल तक चले जा सकते हैं, मॉन्ट्रियल सिटी जो है वहां तक आप जा सकते हैं। बट हियर गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप टू स्मॉलर वेसल्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। अब एक बस यहाँ पे समस्या क्या होती है, यहाँ पे समस्या ये होती है कि एट टाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको जैसे अंदर तक सामान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जो लार्ज वेसल्स होते हैं, तो जैसे पोर्ट्स हैं कुछ कुछ, उन पोर्ट से वो लार्ज वेसल्स को से ट्रांसफर किया जाता है क्या स्मॉल वेसल्स पे, छोटे जहाजों में क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। किस चीज को, छोटे जहाजों में शिफ्ट करना पड़ता है सामान को, कारण क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रैपिड्स देखने को मिल जाते हैं। रैपिड्स क्या होते हैं, रैपिड्स मतलब यहाँ पे आपको फास्ट फ्लोइंग वाटर देखने को मिलता है थ्रू रॉक्स। ठीक है, अब जो पत्थरों चट्टाने, मतलब बहुत गहराई नहीं है ना पानी में, तो बड़े बड़े वेसल्स क्या पत्थरों से टकरा जाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे वेसल्स, छोटे छोटे बोट्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि रैपिड्स बहुत ज्यादा है। रैपिड्स सिंपल सी चीज है, फास्ट फ्लोइंग वाटर थ्रू द रॉक्स वो रैपिड्स बनाते हैं। तो वो रैपिड्स क्या कर देते हैं, बड़े वेसल्स के नेविगेशन के लिए सूटेबल नहीं रहते, इस कारण से सामान आपको अल्टी पल्टी करना पड़ती है यहाँ पे। ठीक ठीक है, अब लेकिन क्या है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए कैनल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दिस। ठीक है, 3.5 मीटर डीप कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि हम इस चीज को अवॉइड कर सके, लेकिन स्टिल आपको क्या देखने को मिलता है कि रैपिड्स के कारण वहां पे आपको बड़े वेसल्स ज्यादा अंदर तक नेविगेट होते देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवे। अब आगे बात करते हैं, उसे सीवे का नाम दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमने सी रूट में नहीं क्योंकि वो इनलैंड वाटरवेज की कनेक्टिविटी में आ रहा है, इसके लिए पढ़ रहा है। अब क्या है, मिसिसिपी वाटरवेज, एक और जो वाटरवेज है जो इंग्लैंड वाटरवेज में इंपॉर्टेंट है वो है मिसिसिपी वाटरवेज। मिसिसिपी रिवर का नाम सुना है आपने, तो जैसे ग्रेट लेक्स के बाद में इधर देखोगे ना, इधर भी कनेक्टिविटी है, तो ये वाला रीजन जो है आप देखते हो कि यूएसए का ज्यादा डेवलप भी है। कारण देखो ना, इधर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सी हो गया, इधर मिसिसिपी रिवर हो गया, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। मिसिसिपी वाटरवेज जो है, तो मिसिसिपी वाटरवेज जो है, मिसिसिपी वाटरवेज गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ जाता है। फाइन, तो द मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मेक्सिको। इन द साउथ गल्फ ऑफ मेक्सिको से आप यहाँ पे सी वेसल्स जो है, तो सी वेसल्स नेविगेट करके जा सकते हैं कंट्री के अगेन इंटीरियर तक। ठीक है, लार्ज स्ट्रीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिनियापोलिस। ठीक है, मिनियापोलिस ये जैसे देखेंगे तो मिसिसिपी रिवर पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो लार्ज वेसल्स यहां से मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। अगेन दिस प्रोवाइड्स अ गुड कंडीशन फॉर द इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज के लिए यहां पे आपको एक और बेहतरीन स्थिति देखने को मिल जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट इनलैंड वाटरवेज। वाटरवेज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, सी रूट्स आपने देखा, इनलैंड वाटरवेज आपने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे चैप्टर में है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एयरवेज के बारे में पढ़ते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।